अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, किसी भी कंपाउंड में आपने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ़ लोन पेयर प्लस हाइड्रोजन एटम। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज़ पूरी नहीं है तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब तीन इसकी एग्जांपल बहुत मशहूर हैं। हम लोग वाटर की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे NH3 की बात करेंगे और हम लोग यहाँ पे HF की बात करते हैं। अगर मैं वाटर को देखता हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और दो ही इसके पास हाइड्रोजन एटम हैं। एक लोन पेयर प्लस एक हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। सेकेंड लोन पेयर प्लस हाइड्रोजन मिलके आपके पास दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर आर टू। अमोनिया की बात करते हैं, तो NH3 हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर प्लस हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। अब इसके पास दो हाइड्रोजन इजाफी तो हैं, लेकिन इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है। मीन टू से इन दो हाइड्रोजन का यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग कहेंगे अमोनिया कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड। HF की बात करते हैं, तो HF में फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन मिलके आपके पास बना देंगे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके है। लेकिन आपके पास जो दो लोन पेयर इजाफी हैं, ये किसी काम के नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि साथ में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जिसको वो इन्वॉल्व करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो हम लोग कहेंगे HF का भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मुझे कैसे पता लग रहा है इसके ऊपर एक लोन पेयर है, दो हैं या तीन? तो बेटा ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक उसने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल कर लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल कर लिया, पीछे बचे चार, वो चार इलेक्ट्रॉन्स दो लोन पेयर की शक्ल में यहाँ पे इकट्ठे हो गए। नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एक उसने इस हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल किया, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, पीछे बचे दो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में इकट्ठा हो गए। फ्लोरीन की बात करते हैं, ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक उसने इस्तेमाल कर लिया हाइड्रोजन के साथ, पीछे बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे तीन लोन पेयर्स की शक्ल में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे। हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल, यही हमारे पास एक रिलेशन है। अगर दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर नहीं बन रहा होगा। होप सो इट इज़ क्लियर फॉर यू। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।